हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 4:30 बजे से, क्योंकि आज मुझे सुबह सुबह ही मंदिर की सफाई करके पूजा करनी है। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है रसोई का। तो रसोई में मैंने फटाफट से जो है अपनी सब्ज़ी बनाई, जिससे मैं रात को ही काट कर रख देती हूँ, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता। और फिर मैंने सब्ज़ी बनाने के बाद लगाया मैंने आटा, और रोटी सब्जी की तैयारी मैंने करके रख दी थी। फिर रसोई और मंदिर के वहाँ से और अपने कमरे में से मैंने झाड़ू पोछा किया सुबह सुबह ही। और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद मैं रसोई में जो है रोटियां बनाऊंगी। रोटियां मैं नहाने के बाद बनाती हूँ। ये काम जो है आटा लगाना, सब्ज़ी बनाना, ये मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ। सो हेलो गाइस, अभी देखो अभी बजे सुबह के 5:15 और मैं 4:30 बजे उठी थी। आज एकादशी है और मेरे स्कूल में आज क्रिसमस डे सेलिब्रेट होगा। तो सुबह 4:30 बजे उठ के मैंने सब्जी बना दी है, आटा लगा दिया है और झाड़ू पोछा रसोई में और मेरे वाले कमरे में हुआ है। और अब मैं आपसे मिलूँगी नहाने के बाद। अभी रात है, देखो ये देखो, कभी किसी को ये लगे कि मैंने शाम के 5:15 बजे से शुरू किया, मैंने सुबह के 5:15 बजे से शुरू किया है, जिसमें मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है और मेरा आटा लग चुका है और मेरी सब्जी बन चुकी है। तो अब आपसे मिलूंगी मैं नहाने के बाद। सो हेलो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और आज मैंने कश्मीरियों वाला ये वाला सूट वियर किया है, जिसको मैंने अपनी रील्स में भी डाला है। तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में। और आज जो मेरा व्लॉग रहेगा वो रहेगा मेरे स्कूल का, जिसमें कि हम क्रिसमस डे का फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है संडे और मंडे की। तो हम आज ही अपना फंक्शन जो है सेलिब्रेट करेंगे। जो हमारी वेनसडे को एक्टिविटी होती है वो हमने सैटरडे को पोस्टपोन कर दी थी, उस दिन हमारा रेगुलर स्कूल लगा था। तो हम आज वो ही एक्टिविटीज़ करेंगे। एक्टिविटीज़ भी हमारी क्रिसमस डे से रिलेटेड आई थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि सैटरडे को क्रिसमस डे के पास में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं पूरे स्कूल के बच्चों के साथ। तो आज बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में। और अभी बज रहे 5:40 हो गए, मुझे जोत लगानी है, रोटी बनानी है और कथा पढ़नी है। तो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, तो चलिए सुबह सुबह। तो 6:10 हो गया और मेरी चाय और दाल मखाने का मेरा नाश्ता, और अपने जल्दी से चाय फिनिश करके स्कूल के लिए निकलते हैं। सुबह सुबह अंधेरे में ही स्कूल के लिए निकलना पड़ता है और इतनी ठंड में बाइक पर जाते टाइम बस स्टॉप तक बहुत ठंड लगती है बिल्कुल। और ये है बस टर्मिनल। और ये बस फुल भरने के बाद चलती है। और ये है मेरी वो फ्रेंड जो मुझे बस के रास्ते में मिलती हैं और इसका स्टॉप मुझसे पहले आ जाता है। और ये वो फ्रेंड्स हैं जो मुझे रास्ते भर मिलती हैं। हम सब एक ही बस में जाते हैं और हमारे स्कूल आसपास ही हैं, तो स्कूल के पास जाने के बाद हम सब अलग अलग हो जाते हैं। तो 2 बस और 1 ऑटो रिक्शा चेंज करके मैं फाइनली पहुंच गई हूँ स्कूल में। और आज बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज क्रिसमस का सेलिब्रेशन है स्कूल में। पता नहीं, आप अपनी चट्टी खोलो, ठीक है? इसकी चट्टी है?
कभी शर्ट नहीं, ठीक है? और इस छोटे वाले लड्डू को इस बड़े वाले लड्डू के ऊपर रख दे। अब देखो हम इसका मफलर लगा रहे हैं। मफलर कहाँ पे लगाया जाता है? पास आ जाओ, मैं इसका मफलर लगाऊंगा। देखो हाँ, ग्रीन कलर का मफलर लगाएंगे या रेड कलर का ही बना सकते हो आप। देखो मैंने कितना सुंदर बनाया है। इसको ठंड लग रही है ना? ये देखो कैसा है, अच्छा बन गया ना। अब हम इसको बर्फ में बिठाएंगे। ये जो मैंने गत्ता मंगाया था उस पे गोंद लगा देंगे। इसको बर्फ का बना रहा है। स्नोमैन बोलते हैं इसको। स्नो नहीं, स्नो गोपी कैसे बनाई थी ज्योति? तुम शंकु का आकार देके गोल बनाई थी क्या? पहले गोल करके फिर लंबी लंबी ऐसे, देखो ऐसे। मैन 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 ऐसे बनाओ, ऐसे गोल करके लंबी करो पहले, फिर नीचे से ऐसे धीरे धीरे। देखो बनाओ, चलो करेगी बस। ठीक है, ये रोते रोते डांस करेगा। कनक टॉफी नहीं लेनी, सेंटा क्लॉज को नहीं लेनी टॉफी। नहीं लेनी, घर जाना है। फोन मैं ही करूंगी तेरी मम्मी के पास, फोन तो मैं ही करती हूँ। नहीं करूंगी, फोन करके मना कर दूंगी। फुल इग्नोर। तो लंच टाइम ओवर हो गया है। इसके बाद अब मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मेरी क्लास के बच्चों ने कैसे कैसे अपने सांता क्लॉज कह लो या उसको स्नोमैन बोल लो, तो कैसा बनाया है। उनकी एक्टिविटी थी आज इसकी, तो शुरू करते हैं मानसी से। ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं बना दिया? इसकी गर्दन गर्दन है, इसका धड़ नहीं है। ये किसका है? परिधि का। कुछ ज्यादा छोटे छोटे नहीं बना दिए? ये हमारे बच्चों के क्लास की क्रिएटिविटी है। दिखाओ शक्ल, तो इसकी करो मेरी तरफ। ये कृतिका और भूमिका दोनों जुड़वा बहने। दिखाओ, वेरी गुड। ये हुनेन का और क्या नाम है इसका? मैं नाम वंशिका गई, वंशिका का। काव्या, सोनाक्षी, तुम्हारा कहाँ है? माहिरा, इसका तो मैंने ही बनाया था, इसमें स्टार चिपकाया बस। इसका भी अच्छा है। ये वंश का, सत्यम का, आंखें कुछ ज्यादा भार नहीं होगी तेरी? युद्र का दिखाओ, मोहम्मद अयान। ये आशीष का, दो तो बना दिए, एक अच्छा सा बना लेता। ये क्या है भाई? ये तो मुझे तोता ज्यादा लग रहा है, हरे रंग का। दिखा कोमल अपना,
मेरी तरफ शक्ल कर इसकी। हाँ शोर नहीं, ये दृष्टि का, ये तनिष्का का, ये आरुषि का और ये गार्गी का। गलत हो गया इसका। कोई बात नहीं, सबके बहुत अच्छे बने हैं, सबके अच्छे बने हैं, ठीक है। और हम इनको स्कूल में डिस्प्ले करेंगे, घर नहीं ले जाने, इनको हम स्कूल में डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। स्कूल में भी तो दिखना चाहिए ना। हमारे स्कूल में होगी बाल सभा, जिसके लिए सारे बच्चे ग्राउंड में इकट्ठा होंगे। और जो बच्चा पोयम गाना चाहता है या डांस करना चाहता है वो स्टेज पर गाएगा। तो ऐसे होती है हमारी बाल सभा, जिसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। कैसा लगा? अच्छा। मजा आया? A few moments later. तो अब बज रहे हैं 4:20 और मैं जस्ट 10 मिनट पहले घर आई हूँ। और मैंने सोचा मैं घर आके चाय पीऊंगी, तो चाय पत्ती खत्म है और अब चाय पत्ती आने का वेट, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक लेकर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए रेस्ट कीजिए आप भी और मैं भी। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। खत्म, टाटा बाय बाय। चाय पत्ती आ गई, अब ठंड उतरेगी। एनर्जी ड्रिंक।
तो गाइज इतनी ठंड में गर्म गर्म पानी से बर्तन मांज कर मैं कर रही हूँ अपने इस व्लॉग का दी एंड। तो आप सबसे मिलेंगे अनदर किसी नए व्लॉग में, शायद क्रिसमस का हो वो व्लॉग, अगर बनाया तो मैं ज़रूर 25 दिसंबर का व्लॉग बनाऊंगी अगर मैं कुछ करती हूँ या कहीं बाहर जाती हूँ तो। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए मेरे नए नए व्लॉग, और मेरे पुराने व्लॉग्स भी आप देख सकते हैं वो मेरे चैनल पर हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं जल्दी से अपना काम करके कंबल में छिपती हूँ।